नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड पे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बात करने वाले हैं EPS पहचान में योजना पर। EPS पहचान में लेटेस्ट न्यूज जनवरी 2020, पेंशन 26 जनवरी से करेंगे बड़ा फैसला। तो आगे चलते हैं। आगे कहा है, सरकार ने देश के तकरीबन 60 लाख EPS 95 पेंशन के दौरान अपनी न्यूनतम पेंशन 7,500 दे समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार संघर्ष जारी। वहीं पेंशनदारों के हक के लिए संघर्ष कर रही है राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के दौरान आगामी 26 जनवरी से पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन करने के लिए घोषणा की गई है। समिति की ओर से कहा गया है कि यदि पेंशन की मांग 25 जनवरी 2020 तक पूर्ण नहीं हो जाती तो आगामी 26 जनवरी 2020 से पूरे देश व्यापक आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें पेंशन की मांगों को पूरा करने के लिए श्री मंत्रालय प्रधानमंत्री CBT मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से आग्रह किया गया है। साथ ही कहा गया है कि EPS 95 परिवार की वीरांगनाओं और बहनों